नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। यूपी के गाजीपुर में नौकरी के फर्जी ऑफर लेटर देकर बेरोजगार लोगों को ठगने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 16 फर्जी ऑफर लेटर भी बरामद किए हैं। उसने बताया कि वो मोटी रकम लेकर लोगों को नौकरी के नाम पे लूटता था। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने नौकरी का झांसा लेकर युवाओं को ठगने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 16 फर्जी नियुक्ति पत्र यानी ऑफर लेटर भी बरामद किए गए हैं। मिली शिकायत के मुताबिक प्रदीप कुमार ने नौकरी के नाम पे पैसा लेकर कई लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र अदा किया, लेकिन जब ऑफर लेटर लेकर लोग नौकरी के लिए जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि उनके साथ ठगी हो गई है। इस बारे में फिर ठगी का शिकार हुए एक नौजवान ने थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रॉ पुलिस ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में बड़ाचवर जाने वाली नहर से गिरफ्तार किया है। मामला कुरुबुद्दीनपुर थाना क्षेत्र का है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश, जो ग्राम बड़ाचवर थाना कुरुबुद्दीनपुर का रहने वाला है, मौजूदा वक्त में आदर्श नगर शिवदासपुर मुडी वाडीहा वाराणसी में रहता था। यहाँ वो भोले भाले और बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे मोटी रकम लेता, फिर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दे देता। जब लोग पैसा देकर और नियुक्ति पत्र लेने के पश्चात संबंधित विभाग में जाते तो पता चलता था कि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई नियुक्ति नहीं है, बल्कि उनका नियुक्ति पत्र ही फर्जी है। इसी को लेकर एक पीड़ित ने कुरुबुद्दीनपुर थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 406, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इसी के बाद से आरोपी की तलाश की जा रही थी। फिर पुलिस को 12 मई की सुबह जानकारी मिली कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बराचवर जाने वाले मार्ग पे अभियुक्त प्रदीप मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से 16 व्यक्तियों के अलग अलग विभागों में नौकरी के फर्जी लेटर मिले। उसकी कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद बताया कि उसने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। आरोपी ने कहा कि वो उन्हीं लोगों को टारगेट करता था जो नौकरी के लिए परेशान रहते थे। वो जितनी रकम मांगता लोग उसे दे देते, बाद में वो फर्जी ऑफर लेटर तैयार कर उन्हें नौकरी के लिए भेज देता, फिर उनके फोन उठाना बंद कर देता। इस तरह से ही ठगी को अंजाम देता था। फिलहाल इस खबर में फिर इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।